लेकिन चुनौतियां हम लोगों की और बढ़ रही हैं। राहत सामग्री जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है, पशुओं के चारा का भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती जो अब आएगी वो आएगी बीमारी की चुनौती, गंदगी की चुनौती, स्वच्छता की चुनौती। अभी मैं जो बनारस का फुलवरिया का इलाका है, कैंटोनमेंट के बगल वाला इलाका है, मैं वहाँ खड़ा हूँ। अभी नाव से जो घर पानी में डूबे हुए हैं उन लोगों से मिलकर उनको राहत सामग्री देकर मैं लौटा हूं, हमारे साथी लौटे हैं। अभी नगर निगम की टीम को हमने कहा है, नगर निगम की टीम आने वाली है और पूरा इस इलाके में फॉगिंग का काम चलेगा। कुछ लोगों को डेंगू की शिकायत हम लोगों को पता लगा, तो डेंगू की शिकायत को देखते हुए मेडिकल विभाग की भी एक टीम को मैं भेज रहा हूँ, दोपहर के बाद वो भी टीम आने वाली है। और जिनको भी बुखार है, किसी तरीके से परेशानी है, निःशुल्क उनके टेस्टिंग का प्राविधान हम करने जा रहे हैं। और अगर तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, तो उसके इलाज की भी व्यवस्था हम कराएंगे। तो ये सारे काम हम सब लोग करने जा रहे हैं। मैं ऐसे NGO सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कि सरकार जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन सामाजिक संगठन भी NGO भी काफ़ी आगे निकल कर आए हैं आज, और वो लोग भी सब लोग लगे हुए हैं समाज की सेवा में, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। क्या लगता है, मुझे लगता है कि एक सप्ताह का बड़ा संकट है। एक सप्ताह तक तो थोड़ा हम सब लोगों को, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे साथी हों, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, प्रशासनिक लोग हों, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जो ये एक सप्ताह आने वाला है इसमें हम सब लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि पानी उतरता है, अचानक फिर पानी बारिश ऊपर हो जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप जानते हैं, उत्तराखंड का पानी, हरियाणा का पानी UP में आया, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई है। तो आगे भी हम सजग हैं, फिर से पानी आ सकता है, फिर से बारिश हो सकती है, फिर से पानी बढ़ सकता है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कल मुख्यमंत्री जी आकर गए हैं, उन्होंने भी पूरी तत्परता के साथ और प्रायोरिटी पर बाढ़ की समस्या को रखते हुए, बाढ़ को भी दृष्टिगत रखते हुए और सारी अपनी योजनाओं को बनाने का भी उन्होंने आदेश दिया है, उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए, डोर टू डोर हम लोग पहुँचा कर आए हैं, नाव में बैठकर जो घर डूबे हैं वहाँ भी जा रहे हैं। जो लोग अपना डूबा घर छोड़कर और कहीं आश्रय लिए हुए हैं उन तक भी हम पहुँच रहे हैं, सामग्री उन तक भी पहुँचा रहे हैं। दरवाजे दरवाजे भी हमारे लेखपाल की टीम लगी है, कानूनगो लगे हैं, नायब तहसीलदार लगे हैं, नगर निगम के लोग भी लगे हैं, BDA के लोग भी लगे हैं। सारे लोगों को, पूरे प्रशासनिक अमला को इस व्यवस्था में लगाया गया है।